राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 10 दिसंबर की शाम मुलाकात की। उन्होंने वर्ष 2023 की नवगठित विधानसभा के अपने नव निर्वाचित विधायकों की सर्वसम्मति से प्रदेश विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चयनित किए जाने के संबंध में पत्र सौंपा और नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। राज्यपाल हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान की धारा 164 के तहत विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री नियुक्त करने संबंधित पत्र प्रदान किया और कैबिनेट गठन के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल, मनसुख मांडविया और ओम माथुर सहित नवनिर्वाचित विधायक, पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी। हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी समय और तारीख प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री आ सकते हैं? अकेले लेंगे शपथ? निश्चित रूप से आ सकते हैं। मंत्रिमंडल डिप्टी सीएम तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी चुनौती है, कब तक उस पर आगे आगे देखिए होता है क्या सर। डिप्टी सीएम जैसे कुछ चर्चा हो, डिप्टी सीएम अभी यहाँ पर, ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, वो जो निर्णय करेगा आपकी जानकारी में आ जाएगा। वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इस संबंध में जानकारी दी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण की तैयारी के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और इसकी जैसे ही आधिकारिक घोषणा हो जाएगी जिसमें तारीख और समय के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद पश्चात सभी मीडिया प्रतिनिधियों को बताया जाएगा। इसमें हम लोग मोटे तौर पे जो भी वीआईपी आ सकते हैं उनके सबको अकोमोडेट करते हुए एक व्यवस्था बना। इधर राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम विष्णुदेव साय पहुना में बनाए गए अस्थाई सीएम हाउस पहुंचे, जहां बैंड बाजों, आतिशबाजी और पटाखों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और देर रात तक सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंचते रहे।